Oh my god, BTS army, it's shocking, it's hurtful and emotional at the same time. Biggest update about BTS military enlistment is finally here. Just few minutes ago, Star News from Korea has shared this exclusive report about BTS member V, Jimin, Jungkook and RM military enlistment, that all these BTS members will now enlist in military on 11th and 12th of December. As per the report shared by Star News, they have claimed that V and Kim Namjoon will enlist on 11th of December, while Jimin and Jungkook will enlist on 12th of December as frontline members, while V and Jimin will serve as backline members of military. Now BTS members have 2 weeks left to spend with BTS army, and that has created havoc on internet. On social media, fans are emotional, cannot believe that BTS will leave within these 2 weeks. बाकी इंडियन BTS आर्मी, आप लोगों को वीडियो का टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि एक और दर्दनाक दिल दहला देने वाली खबर फैंस के लिए आ चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले कोरिया की फेमस न्यूज़ एजेंसी स्टार न्यूज़ ने इस बात को अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया है कि BTS मेंबर वी, जिमिन, जंगकुक, RM अब सिर्फ कुछ ही दिन हमारे साथ हैं, या कहूँ 2 हफ्तों तक हमारे साथ हैं, क्योंकि चारों मेंबर्स 11th और 12th ऑफ दिसंबर को मिलिट्री में फाइनली इनलिस्ट हो जाएंगे। रिपोर्ट्स का कहना है कि नामजून और किम तेयोंग एक साथ 11th ऑफ दिसंबर को बैकलाइन सोल्जर्स के तौर पर इनलिस्ट होंगे, तो वहीं BTS मेंबर जिमिन और जंगकुक एक साथ 12th ऑफ दिसंबर को फ्रंटलाइन सोल्जर्स के तौर पर मिलिट्री में इनलिस्ट होंगे। और BTS आर्मी के लिए कुछ ही देर पहले आई ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग और इमोशनल साबित हुई, क्योंकि आर्मी को लग रहा था कि शायद BTS दिसंबर के एंड तक मिलिट्री में एनलिस्ट होंगे, लेकिन ये तो 12th ऑफ दिसंबर को हो रहे हैं। हालांकि उनकी कंपनी बिगिट ने इन रिपोर्ट्स पर अपना जवाब दिया है, जिसे मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तब तक आप लोगों को BTS मेंबर्स के 11th और 12th ऑफ दिसंबर को मिलिट्री में जाने को लेकर क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।